जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक तो जलाते होंगे, लेकिन दीपक की लौ में अगर फूल बन जाएं, तो इसके संकेत क्या होते हैं? पर एक चीज ध्यान रखें, पुरुष या महिला, अगर आप महिला हैं, दीपक जला रहे तो अपने सिर पर साड़ी पहने तो उससे ढक लें। पुरुष कलावे की कच्चा धागा भी रख सकते हैं, उसकी भी मान्यता है, रुमाल या कुछ भी रख लें। फिर दीपक जले तब आपका पूजा संपूर्ण होगा। सिर को खुले रख कर दीपक जलाने से कोई मतलब नहीं बनता कि आप पूजा कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दीपक के लौ में फूल बने का क्या मतलब है, कि आपके पूजा भगवान तक पहुंच रही है। जो सबसे पहली बात देखिए, दीपक की लौ में जब फूल बनता है ना, अब इसे भगवान को पूजते हैं, जिस पर भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। अगर फूल बन रहा है तो इष्ट देव तक आपकी प्रार्थना पहुंच रही है। प्रार्थना तक, यह आपके इष्ट देव तक आपके पास पहुंचने का संकेत है कि आपके ऊपर अब वह उनकी कृपा बरसेगी। किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वह आपके साथ हैं, आपके कार्यों में सहायता कर रहे हैं। हर कार्य को वह आपकी बनाएंगे। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा के समय दीपक में ऐसी लौ बन रही है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है, क्या बात है? दोस्तों, आपकी परेशानी का कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इष्ट देव या भगवान को मनाने में कमी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है आपके भक्ति में कमी है, जिस वजह से आपका मन अशांत है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आपको भगवान तक नहीं पहुंचने दे रही है। अगर दीपक में ऐसे फूल बन रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि देवी देवता की कृपा आप पर हो रही है। बस पूजा के नियम के अनुसार भक्ति भावना रखें, जीवन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, घर के दुख क्लेश सब मिट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रहेंगे, खुद भगवान आपकी सहायता करेंगे। अगर आपके भी घर में पूजा के दौरान दीपक में ऐसा फूल बन रहा है, तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, लेकिन यह मानकर चलिए जीवन के कष्ट दुःख परेशानियां अब कम होंगी। अब आप अच्छे कर्म करें, जैसे गर्मी का मौसम है तो जानवरों को भी खाने पीने की व्यवस्था करें, या फिर दान पूर्ण करें, कुछ ना कुछ देते रहें। और जिनको आप सहायता कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते रहें।